नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस वाला रात न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। धूप पड़वा बहु शहर का अनोखा पर्व है। अनोखा इसलिए क्योंकि इससे जुड़ी मान्यता केवल अपनों के प्रति आदर और संबल देने की है। इसे शहर के लोगों ने ही शुरू किया और अब अगली पीढ़ियां इसे आगे बढ़ा रही हैं। इस बार ये पर्व 13 को मनाया जाएगा। इसमें 300 घरों के बाहर रंगोली बनेगी। इस बार वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की तैयारी है। महू शहर में इस पर्व की अलग ही रौनक रहती है, जब लोग एक दूसरे से, विशेषकर अपने से बड़ों से मिलने के लिए, उनका हालचाल जानने के लिए उनके घर जाते हैं और उन्हें धोख देते हैं, यानी उनके पैर छूते हैं। शहर के लोगों ने इस मिलने जुलने को भी एक पर्व का नाम दिया, ताकि मेलजोल का महत्व कभी कम ना हो, अपने अपनों के साथ अपरिचितों से भी मिलते रहे। मेलजोल के इस पर्व को राजनीतिक दलों और उनके नेताओं ने भी खूब उपयोग में लिया। 3 साल से इस पर्व को एक बार फिर और भी उत्साह से शुरू किया गया है, ताकि लोग अपनी परंपराओं का सम्मान करें। मिलने मिलाने के इस दिन को भी पर्व के रूप में देश में केवल महू में ही मनाया जाता है। इस दिन पूरा शहर सड़कों पर उतर आता है और केवल कुछ ही घंटों में हजारों लोग एक दूसरे से मिल लेते हैं। इस बार रंगोत्सव का 3रा वर्ष है। एक दिन में 300 से अधिक रंगोली बनाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की तैयारी है। रंगोत्सव समिति के सुचित बंसल ने बताया कि दीपावली के दूसरे दिन 13 नवंबर को सुबह ये प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। इस बार प्रतियोगिता की थीम धर्म संस्कृति परंपरा के साथ ही 100% मतदान व स्वच्छता भी रखी गई है। हर साल ये प्रतियोगिता सामान्य रूप से आयोजित की जाती रही है। इस बार प्रतियोगिता को रोचक किया जा रहा है। इस प्रतियोगिता को वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल करने की तैयारी की जा रही है। मुख्य रूप से प्रतियोगिता में 300 से ज़्यादा प्रतियोगी हिस्सा लेते हैं, तो इस प्रतियोगिता को वर्ल्ड रिकॉर्ड का दर्जा मिल जाएगा। प्रतियोगिता में हिस्सा लेने वाले हर प्रतिभागी को वर्ल्ड रिकॉर्ड का व्यक्तित्व प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा। भैया बताइए, रंग महोत्सव का जो आयोजन आप धूप पड़वा करते हैं, क्या पूरा मामला है? महू की सांस्कृतिक धरोहर धूप पड़वा जो काफ़ी वर्षों से मनाई जा रही है, उसका थोड़ा सा स्वरूप जो है थोड़ा सा विलुप्त होता जा रहा था, तो उसे पुनः जागरण करने के लिए महू की विभिन्न सामाजिक एवं धार्मिक संगठनों ने एक प्रयास किया है विगत 4-5 वर्षों से। उसी प्रयास के अंतर्गत एक रंगोत्सव का भी एक छोटा सा प्रयास था। रंगोत्सव ने एक रंगीन रंगोली प्रतियोगिता, जो कि मध्य भारत की सबसे बड़ी इनामी प्रतियोगिता है, उसका आयोजन किया है। और उसका ये तृतीय वर्ष है, जिसमें प्रथम पुरस्कार 51,000, द्वितीय 21,000 एवं तृतीय 11,000 का पुरस्कार है। इस बार वर्ल्ड रिकॉर्ड भी आप बनाने का बता रहे थे, तो क्या रहे? इसमें महू शहर की विभिन्न प्रतिभाएं, छोटे बच्चों से लेकर बड़े बुजुर्ग तक, सभी इसमें भाग लेते हैं। और विगत 2 वर्षों में उनका उत्साह देखते हुए हमने इस बार ये प्रयास किया है कि उनके इस प्रयास को एक विश्व कीर्तिमान में दर्ज कराया जाए। और इस हेतु हमने हार्वर्ड वर्ल्ड रिकॉर्ड लंदन UK से संपर्क किया है और उनके द्वारा हमने इसको रजिस्टर्ड कराया है। और हमारा प्रयास है कि 300 रंगोलियां बनवाकर इनके प्रयास को विश्व कीर्तिमान में दर्ज करवाया जाए। और सभी प्रतिभागियों को हम उनके व्यक्तिगत नाम से उनका सर्टिफिकेट वर्ल्ड रिकॉर्ड का दिलवाएंगे, यही हमारा इस बार प्रयास है। एक और नई चीज़ भी इस बार आप कुछ कर रहे हैं, कुछ बैंड आएंगे जो अलग अलग जगह अपना परफॉर्मेंस देंगे। क्योंकि एक सांस्कृतिक आयोजन है, तो सांस्कृतिक आयोजन में हम इसमें थोड़ा सा संगीतमय इसको माहौल बनाते हुए विभिन्न क्षेत्रों में मऊ के जो हमारे मुख्य बाजार हैं, जहाँ पर ये पर्व विशेष रूप से मनाया जाता है, वहाँ पर हम इसमें संगीतमय कुछ प्रस्तुतियाँ यहाँ पर पेश करेंगे। आपका नाम बता दीजिए। सुचित बंसल, रंगोत्सव समिति संरक्षक।